नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी हेल्प डेस्क में। सीएससी हेल्प डेस्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सीएससी के अंदर एक नया सर्विस लॉन्च हो चुका है। उस सर्विस का नाम है पेन डॉक्यूमेंट ट्रैकर। अगर आप एक सीएससीवीली हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, और सीएससी के माध्यम से अगर आप पेन कार्ड बनाते हैं, जैसे कि आप यूटीआई के माध्यम से पेन कार्ड बनाते हैं या एनएसडीएल के माध्यम से अगर आप सीएससी के अंदर से पेन कार्ड अगर बनाते हैं, तो आप सभी के लिए जो पेन ट्रैकर डॉक्यूमेंट एक सर्विस जो कि सीएससी के अंदर लॉन्च हुई है, आप देख सकते हैं। इस सर्विस का उपयोग आप सभी वीली को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सीएससी के माध्यम से पेन कार्ड बनाते हैं, तो क्या है ये सर्विस और इस सर्विस में आप कैसे काम करेंगे और इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सीएससी हेल्प डेस्क चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। दोस्तों, आप अगर अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक न्यू अराइवल सर्विस में भी आपको देखने को मिलता है। पेन डॉक्यूमेंट ट्रैकर का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि एक सर्विस ऐड हुई है। सिंपली हम इस सर्विस को यहाँ पे आपको ओपन करके बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सर्विस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेन डॉक्यूमेंट ट्रैकर सर्विस ओपन हो जाएगी। सिंपली यहाँ से आपको अपना लॉगिन डिजिटल सेवा कनेक्टेड कर लेना है। यह सर्विस में दोस्तों आपको कैसे काम करना है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं, तो दोस्तों यह सर्विस अगर आप पेन कार्ड बनाते हैं, फिजिकल पेन कार्ड अगर आप बनाते हैं, तो उसके बाद आप डॉक्यूमेंट कुरियर करते हैं जैसे कि एजेंसी को, तो उसके लिए यहाँ पे आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पे जैसे हमने डिजिटल सेवा कनेक्टेड किया है, तो यहाँ पे हमारा एक प्रोफाइल खुल चुका है। ऊपर में आपको सीएससी आईडी और आपने कितने पेन कार्ड बनाए हैं उनका यहाँ पे आपको डैशबोर्ड देखने को मिलता है। सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडर आप देख सकते हैं, व्यू डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, होम पेज यहाँ पे आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे दोस्तों, अगर आप यूटीआई के माध्यम से अगर आप पेन कार्ड बनाते हैं या एनएसडीएल के माध्यम से जितने पेन कार्ड आप सीएससी से बनाते हैं, तो पेन कार्ड बनाने के बाद, फिजिकल पेन कार्ड बनाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भेजना होता है एजेंसी को। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे। जैसे कि ऊपर में यहाँ पे आप देखेंगे सीएससी आईडी आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आपने जिस सीएससी आईडी से आपने पेन कार्ड बनाया है वो सीएससी आईडी, प्लस यहाँ पे आपको एजेंसी चूज़ करना है। एजेंसी मतलब यहाँ पे यूटीआई व एनएसडीएल, यहाँ पे दो एजेंसी के नाम आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि सीएससी से आप यूटीआई के माध्यम से अगर पेन कार्ड बनाते हैं या आपने यूटीआई के माध्यम से पेन कार्ड बनाया है, तो आपको यहाँ पे यूटीआई चूज़ कर लेना है। जैसे आप यूटीआई यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, यूटीआई या एनएसडीएल, जो भी आप पेन कार्ड जिस एजेंसी से आप पेन कार्ड बनाते हैं उस एजेंसी का यहाँ पे आपको चयन कर लेना है। चयन करने के बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे एप्लीकेशन, नीचे आप देखेंगे तो एप्लीकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस फिल करनी होती है। जैसे कि यहाँ पे मतलब आप जितने भी एप्लीकेशन, जितने मतलब एप्लीकेशन जो आप पेन कार्ड अप्लाई करते हैं उसका एक एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो होता है, तो आपको वो एप्लीकेशन यहाँ पे नंबर में टाइप करना है। अगर आपने 5 पेन कार्ड एक दिन में बनाए हैं तो 5 एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उस तरीके से आप जितने पेन कार्ड बनाते हैं, जिस तरीके से आप एजेंसी को डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आप कितने डॉक्यूमेंट यहाँ से एजेंसी को भेज रहे हैं ऑफलाइन पार्सल के माध्यम से, तो आपको उन डॉक्यूमेंट की संख्या यहाँ पे लिखनी है। डॉक्यूमेंट की संख्या यहाँ पे आपको लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ कुरियर, उसी के सामने आप डॉक्यूमेंट के सामने देखेंगे डेट ऑफ कुरियर, मतलब यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को कुरियर करते हैं। जैसे कि एजेंसी के लिए यहाँ पे पेन कार्ड अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट एजेंसी को कुरियर करते हैं, तो किस डेट में आप कुरियर कर रहे हैं वो डेट भी आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पीडीओ ट्रैकर नंबर, मतलब आप कुरियर करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं, तो आपको वहाँ से कुरियर नंबर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तो वो कुरियर ट्रैकर जो नंबर होता है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। और कुरियर कंपनी नेम, मतलब आप कहाँ से, कौन से कंपनी से कुरियर कर रहे हैं, तो वो कंपनी नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद डिलीवरी डेट, मतलब जो आप यहाँ से कुरियर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट ऑफलाइन एजेंसी को, वो किस डेट तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे वो डेट यहाँ पे आपको लिखनी है, मतलब टाइप करनी है, सिंपली चूज़ करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीवरी लोकेशन, मतलब आप
कुरियर मुंबई कर रहे हैं, कोलकाता कर रहे हैं, न्यू दिल्ली कर रहे हैं या चेन्नई कर रहे हैं, मतलब आप एजेंसी से टच में हैं, एजेंसी के आप कौन सी जगह आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं पैन कार्ड के, तो वो एजेंसी मतलब आपको लोकेशन चूज़ करनी है। उसके बाद आपको कंफर्म द एड्रेस, मतलब आपको कंपनी का जो मतलब एजेंसी है उसका कंफर्मेशन एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, और रिमार्क में भी आप कुछ लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप जो भी कुरियर करने के लिए या स्पीड पोस्ट के लिए, वहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस माध्यम से स्लिप मिलता है, उसको स्कैन करके यहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे आप करेंगे तो जैसे भी आप पैन कार्ड बनाते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे हर पैन कार्ड फिजिकल बनाने के बाद डॉक्यूमेंट आप भेजते हैं तो उनकी जानकारी आपको यहाँ पे आप देनी होगी, और वह सबमिट करने के बाद व्यू डॉक्यूमेंट में आपका यहाँ पे शो होगा। तो ये महत्वपूर्ण आप सभी के लिए एक सर्विस है और आप सभी को इसका उपयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।